नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव का परिणाम कल आ जाएगा। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़, 84, सलूंबर और खींवसर सीट पर उपचुनाव हुए हैं। मतगणना से पहले एग्जिट पोल की माने तो इसमें भाजपा को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जाने की संभावना है। इसके साथ ही निर्दलीय और तीसरे मोर्चे को भी 1 से 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस सभी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। सबकी नजरें दौसा और खींवसर के परिणाम पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां मुकाबला कांटे का है। एसआई भर्ती मामले में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति को जारी रखने के साथ ही सरकार को एसआई भर्ती परीक्षा पर फैसला लेने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। हालांकि सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एजी ने 4 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 2 सप्ताह में ही फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अगर भर्ती रद्द हो रही है तो वह किस आधार पर हो रही है, और यदि नहीं हो रही है तो वह किस आधार पर नहीं हो रहा है, ये भी सरकार को अदालत को बताने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान में देखने को मिला है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों में भी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान कुछ हिस्सों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता करते हुए गौतम अडानी सहित पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। डोटासरा ने कहा है कि सेबी के अमेरिकी समकक्ष प्रतिभूति विनियम आयोग का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके 7 सहयोगियों ने भारत में उच्च मूल्य वाले सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2,000 करोड़ की रिश्वतखोरी की योजना बनाई। अमेरिकी अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी और उनके सह प्रतिनिधियों ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक लाभ अर्जित करने के साथ ही अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की। यह अनुबंध आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। यह घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के हम अडानी के हैं कौन अभियान से यही साबित करता है। झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में युवक को मृत बताने के बाद उसके वापस जिंदा होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मरीज की अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी गई थी। उसके बाद मृतक को 2 घंटे तक डीप फ्रीज पर रखा गया था, लेकिन जब मृतक को शमशान घाट ले जाया गया तो उसकी सांस फिर से चलने लगी, जिसके बाद उसको फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से बीडीके अस्पताल पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर संदीप पचार, मेडिसिन के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश जाखड़ और डॉक्टर नवनीत मील को निलंबित किया गया है। हालांकि फिर से अस्पताल में भर्ती करवाए गए ने के करीब 12 घंटे बाद रोहिताश ने अंतिम सांस ली। टोंक जिले के समरावता गांव में उपचुनाव के मतदान बहिष्कार के बावजूद लोगों को धमकाकर जबरन वोट डलवाने के आरोप झेल रहे मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी का विवादों से गहरा नाता दिखाई दबड़ता है। उन्होंने 2 साल पहले बूंदी जिले की हिंडोली में जमीनी विवाद को लेकर दलित परिवार को धमकाया था। इसको वीडियो अब काफी चर्चा में आ गया है। हिंडोली में 2022 में एसडीएम को दलित महिला सहित उसके परिवार पर अभद्र व्यवहार करने के राज्य सरकार ने एपीओ किया था। करीब 5.5 साल की नौकरी में अमित चौधरी का 8 बार तबादला हो चुका है। पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट में खराब बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने शानदार वापसी करवाई है। भारत ने पहले टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन भारत की पहली पारी महज 150 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से टॉप स्कोरर डेब्यू करने वाले नीतीश रेड्डी रहे, वहीं पंत ने भी 37 रनों का योगदान दिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे तो उनको भारतीय गेंदबाजों ने जमकर परेशान किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। एलेक्स कैरी 19 रन और मिशेल स्टार्क 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत की ओर से बुमराह को 4 सफलता मिली, वहीं सिराज को 2 और हर्षित राणा को 1 सफलता मिली। एसआई पेपर लीक मामले में पेपर लीक के 6 आरोपियों को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत का लाभ दिया है। हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए करणपाल, मनोहर, एकता, सुरेंद्र, रोहिताश, राजेश्वरी, अभिषेक और प्रवीण को जमानत का लाभ दिया है। तो वहीं हाईकोर्ट ने आरोपी गिरधारी राम, जगदीश सिहाग, हरकू, चेतन सिंह, दिनेश सिंह, राजाराम, अंकित भगवती और हनुमान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस गणेशाराम की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई।
पाकिस्तान के मुल्तान और लाहौर से उठने वाला जहरीला धुआं अब राजस्थान का दम घोट रहा है। मुल्तान से आ रही जहरीली धुआं से राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में AQI स्तर काफी खराब हो चुका है। हवा में कोहरे की तरह छाए प्रदूषण की परतें के पीछे पाकिस्तान से आ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं को कारण माना जा रहा है। अगर पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुल्तान और लाहौर शहर का AQI का स्तर 1500 के पार पहुंच चुका है। इन्हीं शहरों के प्रदूषण का असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में नजर आ रहा है। भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत देने के लगे आरोपों से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी संस्थान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जहां अडानी पर रिश्वत देने और जालसाजी के आरोप लगाए हैं, ये आरोप गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए हैं। इन आरोपों से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों में अडानी समूह के कारोबार हैं। ऐसे में कई देशों ने उनके साथ कारोबारी रिश्तों को प्रोजेक्ट पर विचार करने और उनको रद्द करने की बात कही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।